तो मंदोदरी से कहा, देखो ऐसा करो, तुम कुछ चावल ले आओ, अक्षत बिना टूटे हुए चावल। देखो आप सब पूजा में चावल चढ़ाते हैं और पंडित जी भी कह देते हैं अक्षतम समर्पयामि, लेकिन अक्षत किसे कहते हैं? जो चावल टूटे न हो। इसलिए चढ़ाने के लिए कुछ दिन पहले मेहनत किया करो, टूटे चावलों को हटा करके सावत चावल ही पूजा के लिए अक्षत के रूप में समर्पित किया करो। जय सीताराम। और ये दोष आपका नहीं है। आजकल पंडित और गुरुओं को एक ही चीज याद है, गुरुजी खड़े बाजार में, हमसे दीक्षा ले नरक पुरो या स्वर्ग में, हमें रुपया। इसलिए शज्ञ बनिए और शज्ञ बनने के लिए निरंतर सत्संग करो। एक दिन का सत्संग भूल जाता है व्यक्ति। गोस्वामी जी इसीलिए लिखते हैं, करें सदा सत्संग, सदैव सत्संग करो तो तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा ज्ञान बढ़ता रहे। अब हमारा क्या दायित्व है कि कोई कितनी दूर दूर से आप सब आए और इतना पैसा हमारे आयोजकों ने यहां व्यय किया, आप सबकी व्यवस्था की, हमारी व्यवस्था की, और हम कथा सुनाएं और आप इस कान से सुन के इधर से निकालते जाएं, तो ये सब किस लिए है ये बताइए? केवल मनोरंजन के लिए? हम चाहते हैं कि इसमें से यदि एक कथा भी हनुमान जी की कोई याद करके ले जाएगा तो हनुमान जी की कृपा से उसके सारे कार्य बन जाएंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। पर एक कथा हनुमान जी की, एक गुण हनुमान जी का। हनुमान जी के हमने कितने गुण गिनाए आपको? हनुमान जी बुद्धिमान है, हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है, हनुमान जी बलवान है, हनुमान जी सेवा में सावधान है, हनुमान जी जितेंद्रिय है, हनुमान जी राम दूत है, दूतों में अग्रणी है, हनुमान जी दासों में अग्रणी है, हनुमान जी भक्त वत्सल है, हनुमान जी करुणा वत्सल है, हनुमान जी बल के निधान है, हनुमान जी निष्कपट है, हनुमान जी निष्कलंक है, हनुमान जी निश्चल है, हनुमान जी निरपराध है। इन गुणों में से एक कोई गुण हनुमान जी का और एक कोई कथा याद करके जाओ, तब तो हमारा इतने 9 दिन तक चिल्लाना और शिवरतन जी का, जुगल जी का और इन सब भक्तों का जो इसमें दिन रात लगे हुए हैं, परिश्रम सफल होगा। और यदि आप यहां से दरवाजे से बाहर जाके भूल गए तो फिर क्या होगा? इसलिए कहीं भी जाइए, निरंतर सत्संग करिए, एक दुर्गुण छोड़ दीजिए और एक गुण वहां से ले आइए, तो धीरे धीरे ये आवागमन का जो भव रोग है ये नष्ट हो जाएगा। तो हनुमान जी गए मंदोदरी से, बोले अक्षत ला, हम अभी पढ़ के देखते हैं तेरे पति की कैसी दशा है। मंदोदरी जब अक्षत लेने गई, हनुमान जी ने स्तंभ का अक्षत बना दिया और उसमें छुपा हुआ बाण लिया और राम जी के पास आ गए और राम जी ने खेच सरासन श्रवण लग छाड़े सर तीश रघुनायक सायक चले मानहु काल भनी सायक एक नाभिशर सोषा अपर लगे सिर भुज कर रूसा सायक एक नाभिशर सोषा अपर लगे हे सिर भुज हीन रुंद महिना चार प्रभु काट
तीन दुई घंटा परे भूमि जिम नभते भूदर हेट धाव कपि भालु निशाचर रावण जब मरणासन्न पड़ा तो भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा नीत शिक्षा लाओ। रावण बड़ा नीतज्ञ है। लक्ष्मण जी गए उसके मस्तक की ओर खड़े हो गए, बोले हमको राम जी ने नीति शिक्षा के लिए भेजा है। रावण बोला ही नहीं, महाराज बोलता नहीं है। बोले किधर खड़े हुए थे? बोले हम तो उसके मस्तक की ओर खड़े हुए थे। बोले जिससे शिक्षा या दीक्षा ली जाती है उसके चरणों में बैठा जाता है, चरणों की ओर खड़े हुआ जाता है। और आजकल पैसे वालों के बच्चे उद्दंड स्टूडेंट शिक्षक के सिर पे ही खड़े होना चाहते हैं। बोलो जय सीताराम। नेताओं के बालक बोले तू हमारा सर्वेंट है, हमको क्या सिखाएगा, तू कहां से शिक्षा मिलेगी। जब लक्ष्मण जी चरणों में खड़े हुए तो रावण धीरे धीरे उठा और बोला पहले हनुमान जी को राम जी को बुला के लाओ। राम जी से बोला इतने दिन राम रावण युद्ध चला, किसकी विजय हुई? राम जी बोले बंदर भालुओं की। बोले नहीं नहीं, युद्ध तो मेरा आपका था। मोर जियत ने मोर पर लिखे उन्हें एक बार, तोर जियत में तोर पर जाओ सहित परिवार। मेरे जीते जी तुम लंका में पैर नहीं रख सके और तुम्हारे जीते जी मैं कुनबा के सहित साकेत जा रहा हूं, रोका जाए तो रोको ना। बोले हां भाई तुम जीत गए। फिर हनुमान जी से कहा कि आप शंकर जी के अवतार, मैंने काट काट के आपको मस्तक दिए, आपने मेरा ही सर्वनाश कराया। बोले सुनो, तुमने जितने मस्तक दिए उसके बदले युद्ध भूमि में तुम्हें करोड़ करोड़ मस्तक मिल गए और मैं एकतश्वा रुद्र हूं, मेरे लिए तुम्हारा एक भी मस्तक नहीं था, दस रुद्रों के लिए दस मस्तक थे, फिर भी तुम्हें करोड़ों मस्तक मिले पर तुमने अभिमान से चढ़ाए, इसलिए तुम्हें अमर पद नहीं मिला। अगर यही मस्तक तुम श्रद्धा से चढ़ा देते तो तुम अमर हो जाते। हनुमान जी पर एक लड्डू चढ़ाओ, एक फूल चढ़ाओ, पर श्रद्धा से चढ़ाओ, अभिमान से नहीं। अभिमान के करोड़ फूल और श्रद्धा का एक फूल एक बराबर होता है। बोलो जय श्री राम। आज हमारे हनुमान जी कितना प्रसन्न हो रहे थे, जिन जिनने दर्शन किया वो ही जानते हैं। तो वो परिणाम क्या था कि केला के वन में हनुमान जी निवास करते हैं, कदली वनांतरे, और आज हनुमान जी के चारों ओर केला का वन बन गया था। और ये बात कलयुग की है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि हनुमान जी कहां मिलेंगे, मुझे दर्शन करना है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि देखो केला के वन में जाके भजन करना हनुमान जी का, तुम्हें हनुमान जी मिल जाएंगे। स्वामी विवेकानंद केला के वन में जाकर के साधना करने लगे हनुमान जी। और एक दिन हनुमान जी की कृपा हो गई और धीरे धीरे साधना करते करते उनकी पीठ में दो भक्त कलयुग में ऐसे हुए हैं। एक तो शिवाजी के गुरु समर्थ स्वामी रामदास जी, हनुमान जी की उपासना करने के बाद उनके शरीर में दिव्य तेज आया और उनकी पीठ में इतनी बड़ी पूंछ निकल आई। जय श्री राम। और स्वामी विवेकानंद जिनके शरीर में इतनी पूंछ निकल आई और केला के वन में हनुमान जी ने दर्शन दिया, आज हमने भी हनुमान जी की अनोखी छटा केला के बगीचे में देखी।
अब जिस जिसने देखी और जिस रूप में देखी उसका वर्णन वो ही कर सकता है, किसी दूसरे को नहीं कर सकता, क्योंकि हमने कहा था सो जाने जे देव जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो श्रद्धा से पूजा करो, श्रद्धा की पूजा का फल अवश्य मिलेगा। रावण ने लक्ष्मण जी से कहा कि जो अच्छे कार्य हो उन्हें सबसे पहले करो, मैंने उल्टा किया, मैंने चार अच्छे कार्य सोचे कि पृथ्वी से स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूं, मनुष्य भी स्वर्ग का आनंद ले, और मैं चाहता तो कर लेता, सामर्थ्य थी, पर कल करूंगा कल करूंगा। मैंने सोचा था कि सोने में सुगंध पैदा कर दूं, बड़ी सुंदर धातु है, लेकिन इसे भी कल कल हमने सोचा समुद्र बहुत बड़ा जलाशय है पर खारी है, इसे मीठा कर दे, कल अग्नि में से धुआं निकाल दे, इसे भी कल पर छू। और जो बुरा कार्य था मदिरा पान करना, मांस भक्षण करना, पराई स्त्री का हरण करना, उसमें देर नहीं की, उसे सबसे पहले कर लिया। और यही नीति है कि बुरे कार्य को कल पर छोड़ो, अच्छे कार्य को सबसे पहले करो। लेकिन होता हमारे आपके साथ भी यही है कि अच्छे कार्य के लिए विचार करेंगे, आगे करेंगे, आगे करेंगे, और जो संसार के कार्य हैं उनको सबसे पहले करने की सोचते। रावण का देहावसान हुआ, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा हो जाती है। एक दिन में ही लंका की प्रजा बदल गई, जो राक्षसियां सीता जी को डराती थी, सीत हितरास दिखावै धरै रूप बहुमंद, आज वही राक्षसियां सीता जी को स्नान करा रही हैं, ऊटन करा रही हैं, उनको सुंदर कपड़े पहना रही हैं, उनकी पूजा कर रही हैं। और देखो बहुत से लोग ये कहते हैं कि स्त्रियों को हनुमान जी का पूजन नहीं करना चाहिए, लेकिन हम आज बतला दें, रामचरितमानस का प्रमाण है कि जितनी भी राक्षसियां थीं सबने हनुमान जी की पूजा की, केवल एक कार्य को छोड़ के, कि स्त्रियों को हनुमान जी को स्नान नहीं कराना चाहिए। बाकी हनुमान जी को भोग लगाना, हनुमान जी की आरती करना, हनुमान जी का कीर्तन करना, पूरा अधिकार रामायण ने दिया है। जो राक्षसियां हनुमान जी की हंसी उड़ा रही थी, हनुमान जी के बाल नोच रही थी रावण के समय, हनुमान जी की पूंछ खींच रही थी, आज रावण के मरने के बाद जब विभीषण राजा बना तो वही राक्षसियां हनुमान जी की आरती गा रही थी, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी के चरित्र तो बहुत है, जैसे राम जी के चरित्र कहां, रघुपति के चरित्र अपारा, कहां मति मोर निरत संसारा, इसी प्रकार हनुमान जी के अगाध चरित्र कितना वर्णन करें, और हमें पूर्ण करना है आज में अधिकांश चरित्र, कल का समय तो विदाइयों में ही लग जाएगा, बोलो जय सीताराम। तो अभी हमको राम जी के राज्याभिषेक तक का चरित्र तो पूरा करना ही पड़ेगा, और ज्यादा करें या नहीं करें, हां चलेंगे जहां तक होगा, जब तक श्रोता बैठे रहेंगे, लेकिन यहां के श्रोता हमको बड़े अच्छे लगे कि जब तक आरती होके हम समाचार नहीं देते हैं तब तक वो जाते नहीं है, और यहां के पत्रकार भी अच्छे लगे कि हमने उनको जो बताया वो ही उन्होंने छापा, अपनी ओर से नमक मिर्च नहीं लगाया,
जहां अपनी ओर से नमक मिर्च लगा के किसी के वक्तव्य में तोड़ मरोड़ कर दी जाती है वो बड़ा अनुचित होता है, लेकिन यहां श्रोता भी बड़े अच्छे लगे कि वो पूरी कथा सुनते हैं। लेकिन एक बात और सुन लो, कथा सुनने के साथ साथ यदि पूरे अच्छे श्रोता बनना है तो जो हमने कहा कि थोड़ी सी कथा को याद भी रख लेना तो आप पूरी तरह अच्छे बन जाओगे। और यदि केवल इस पीले गेट तक ही याद रही, ये जो बना हुआ है ना, हाँ, इसके बाहर जाते ही कथा समाप्त, तो फिर काम गड़बड़ है। बहुत से श्रोता तो इस पीले गेट के पहले ही जब वो हमारे कार्यकर्ता लड्डू पेड़ा बांटते हैं उसी समय भूल जाती हैं, उसको लूटने में लग जाती हैं। बोले कथा गई, अब तो पहले ये कथा है, आज क्या प्रसाद बट रहा है इसे देख। फिर कुछ बाहर जाते जाते चर्चा शुरू हो जाती है। पर जो भी श्रोता है अगर एक दो कथा भी अपने घर तक ले गए ना, तो घर की देहरी पे जितनी भी आधा व्याधा है ना, वो सब हनुमान जी की कृपा से नष्ट हो जाएंगे। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। हाँ, दर्शन करिए हनुमान जी के। ये और थोड़ा सा उछल के जिससे विशाल रूप में ले लोग दर्शन करें। कल आप थोड़ा संकोच कर रहे थे। हाँ विराजे, विभीषण को राज्य अभिषेक हुआ। भगवान ने हनुमान जी से कहा सीता जी को हमारा समाचार सुनाओ। हनुमान जी गए अशोक वाटिका में, सीता जी ने आशीर्वाद दे दिया कि इस संदेश से बड़ा कोई संदेश नहीं है। एक और रही है, आप लोग व्यवस्थापक लोग बस बैठ जाएंगे ठाकुर जी। किशोरी जी बाई ओर खड़ी हो और लखन लाल जी दाहिनी ओर। हाँ, राम वाम दिश जान की, लखन दाहिनी ओर। अब लोग कहते हैं कि राम निर्दयी थे, बार बार सीता को अग्नि परीक्षा। लंका से जब सीता जी आई तो राम जी ने कहा अग्नि में परीक्षा देके अपने धर्म का परिचय दो, पर इसका कारण कि जब जय विजय को श्राप लगा रावण कुंभकर्ण होने का, तो लक्ष्मी जी ने हनुमान जी के द्वारा सीता जी के पास संदेशा भेजा। देखो साकेत में हनुमान जी चार शीला सखी के रूप में रहते हैं, याद रखो। हाँ, साकेत में हनुमान जी चार शीला सखी के रूप में निवास करते हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि अपनी स्वामिनी जी से कहिए कि वो अवतार लेकर के आए और हमारे जय विजय को मुक्ति प्रदान करें। तो सीता जी ने कहा कि हम राम जी का वियोग नहीं सहन कर सकती। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि लंका में नहीं जाना होगा, आपकी व्यवस्था की जाएगी। और राम जी ने दंडकारण्य वन में सीता जी को आज्ञा दी कि आप अग्नि में निवास करो जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं। तो सीता जी अग्नि में गई, छाया सीता बाहर आई जो लंका में गई। अब अयोध्या जाने के लिए अग्नि में से वास्तविक सीता को लेना था और छाया सीता को अग्नि में प्रवेश कराना था, इसलिए राम जी ने सीता जी से कहा कि अपने धर्म का परिचय दो। और गोस्वामी जी ने लिखा है प्रतिबिंब अरलौकिक कलंक प्रचंड पावक महजरे चरित काहुन लखे नव सुर सिद्ध मुन देखे खरे। धर रूप पावक पान गह श्री सत्य श्रुति जग विदित जो हिम क्षीर सागर इंद्रा समय समर्पी आने जो समर्पी आने जो जय।
जानकी जी ने जब अग्नि में प्रवेश किया तो छाया सीता के साथ जितने भी कलंक थे सब जल गए और स्वयं अग्निदेव वास्तविक सीता को लेकर के आए। बोले दंडकारण्य वन में जैसे आपने मुझे सौंपा था ये उसी प्रकार से पवित्र है। तर्क वही करेगा जो पूरे चरित्र को जानने की चेष्टा नहीं करेगा। विभीषण से भगवान ने कहा पुष्पक विमान आया और देखो विमान में एक विशेषता थी, पुष्पक विमान में तीन आसन थे, तीन कुर्सी केवल, और राम जी की पूरी सेना उस पुष्पक विमान में चढ़ गई। दो आसनों पर राम जी जानकी जी बैठे और जैसे ही तीसरे आसन पर लक्ष्मण जी बैठे उसी तरह एक आसन और प्रकट हो गया। पूरे विमान में एक एक बैठता गया, एक एक आसन प्रकट हो गया, एक आसन रह गया, हनुमान जी बैठे ही नहीं। बोले हनुमान जी आप क्यों नहीं बैठ रहे हो? बोले कुबेर को अभिमान हो जाएगा कि राम जी की पूरी सेना बैठ गई और एक आसन फिर भी खाली रहा। बोले मेरा आसन सदैव खाली रहेगा, मैं उस पर नहीं बैठूंगा। और जब पुष्पक विमान चला तो भगवान राम जी ने सबसे पहले हनुमान जी के मारे हुए राक्षस दिखाए। कहा रघुवीर देख रण सीता, लक्ष्मण यहां हतो इंद्र जीता, हनुमान अंगद के मारे रणमा परे निशाचर। और फिर हनुमान जी से कहा भरत जी को समाचार दो और देखो हनुमान जी को अपना परिचय मत देना। ये चरित्र हम क्यों सुना रहे हैं कि भरत जी के पास हनुमान जी गए, राम जी पुष्पक विमान में ऋषि मुनियों को दर्शन देके आ रहे थे और हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बना के भरत जी के पास गए और देखा कि भरत जी ने चिता तैयार कर रखी थी कि यदि 14 वर्ष से एक क्षण बाद राम जी आए तो मैं चिता में प्राण त्याग दूंगा। और भरत जी ने श्रृंगवेरपुर तक दूतों को भेजा था कि राम जी एक दिन का रास्ता है श्रृंगवेरपुर से अयोध्या आने का, तो श्रृंगवेरपुर आ गए होंगे, तो जब श्रृंगवेरपुर नहीं आए तो भरत जी को चिंता हो गई कि रहेहु एक दिन अवधि अधारा, रहेहु एक दिन अवधि अधारा, समझत मन दुख भयो अपारा, समझत मन दुख भयो अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयो, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल किन्हो मोहि बिसरायो, जान कुटिल किन्हो मोहि बिसरायो। एक दिन बाकी है, अभी तक राम जी नहीं आए, क्या मुझे कुटिल जान के त्याग दिया? तो हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बना के गए और कहा कि जिसके विरह में तुम रो रहे हो वो श्री राम जी आ रहे हैं। पर भरत जी को आधी प्रसन्नता हुई। बोले हनुमान जी कह गए थे कि माता जी का हरण हो गया है, लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं, तो क्या अकेले राम जी आ रहे हैं? तब हनुमान जी ने दोबारा संदेशा दिया, बोले रिपुरन जी सुजस सुरगावत और सीता अनुज सहित प्रभु। भगवान ने शत्रु को जीत लिया और सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित राम जी आ रहे, तो भरत जी भी ऋणी हो गए। बोले यही संदेश
सरिस जग माही एही संदेश सरिस जग नाही कर विचार देखे हु कछु नाही कर विचार देखे उरण नहीं, अब आप मुझे भगवान का चरित्र सुनाइए। तो हनुमान जी ने कहा पुष्पक विमान में बैठ करके राम जी लक्ष्मण जी माता जानकी जी और सारी वानर सेना आ रही है। और देखिए भगवान राम जी से केवट ने एक बात कही थी कि फिरती वार मोय जो देवा। तो राम जी ने केवट को भी विमान में बिठाया, बोले तैने हमको नाव में बिठाया, हम तुझे विमान में बिठा के अयोध्या ले जा रहे।